हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं अमित आ गया हूँ आज एक नया वीडियो एक नया टॉपिक पे लेकर के। तो आज की टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत डिमांडिंग होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे हर वीडियोस पे कमेंट आते थे कि भाई जेट 4 कहाँ है, डीजल मैनुअल 130 bhp वाली, और जेट 2 कहाँ है आपकी, अभी तक क्या उसकी प्रोडक्शन चल रही है या उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, या क्या उसकी डिलीवरी की अपडेट्स है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेट 2 की डिलीवरी अपडेट्स को लेकर के, और जेड 4 की डीजल मैनुअल की 130 bhp वाली इंजन पावर वाली गाड़ी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही एक्सक्लूसिव होने वाली है, आपको बहुत सारे अपडेट देखने के लिए मिलेंगे जेड 2 की डिलीवरी और जेड 4 की डिलीवरी को लेकर के। और अगर आप मेरे स्कॉर्पियन ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप उस नंबर पर हाई लिख करके सेंड करिएगा, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपके एक सब्सक्राइबर से बहुत मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि क्या आपकी जेट 2 और जेट 4 की डिलीवरी डेट क्या आ रही है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियन की प्राइस बढ़ने को भी लेकर के, जो अप्रैल की डेट में आज की डेट में ही आपकी जो प्राइस इंक्रीजेस हो गई है, क्या हमें जेट 2 और जेट 4 के लिए रुकना चाहिए या हमें किसी और गाड़ी पे स्विच करना चाहिए या फिर हमें अपना वेरियंट अपग्रेड करा देना चाहिए। तो वीडियो पूरे एंड तक देखिएगा, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जेट 2 और जेट 4 की डिलीवरी क्यों इतनी लेट होती जा रही है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि जेट 4 और जेट 2 में जो आपको डीजल इंजन मिलने वाले हैं वो जेट 6, जेट 8 और जेट 8 एल के डीजल इंजन से पावर कम मिलेगी आपको। इसमें 130 bhp की पावर देखने के लिए मिल जाती है जेट 2 डीजल इंजन में और जेट 4 के मैनुअल ट्रांसमिशन के डीजल इंजन में। तो इसलिए इसकी डिलीवरी लेट हो रही है, क्योंकि अभी ये चीज़ें प्रोडक्शन में नहीं है, ये वेरिएंट आपका प्रोडक्शन में नहीं है। बिकॉज आपकी जेड 6 सबसे ज़्यादा बुक थी, उसके बाद जेड 8 सबसे ज़्यादा बुक थी जेड 8 एल के बाद। तो ये चीज़ें जेड 6 और जेड 8 ये भी प्रोडक्शन में काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं, और पूरी अप्रैल तक आपको जेड 6 और जेड 8 की डिलीवरी देखने के लिए मिलने वाली है। जेड 2 और जेड 4 की डिलीवरी आपको अप्रैल में देखने के लिए नहीं मिलेगी। बहुत सारे भाई लोगों के तो डेट आ रहे हैं जेट 4 के मई जून के आ रहे हैं, कुछ लोग के जून जुलाई तक के आ रहे हैं, और कुछ लोग के जेट 2 वाले लोगों के भी जून जुलाई तक के ही आ रहे हैं। तो आप ये बिल्कुल बिल्कुल मान के आप चलिए कि आपको जेट 4 की और जेट 2 की जो सेम पावर वाली आपकी इंजन होने वाली है, इन दोनों की डिलीवरी आपको मई में ही देखने के लिए मिलने वाली है, आपको अप्रैल में ये डिलीवरी देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। और क्या जेट 2 और जेट 4 वाले भाई लोग को स्विच करना चाहिए, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि जिनकी इंट्रोडक्टरी में जेट 2 बुक है, स्पेशली मैं जेट 2 की बात करने वाला हूँ, जिनकी इंट्रोडक्टरी में जेट 2 बुक है वो तो बिल्कुल एक्सटेंड ना करें, क्योंकि वो आपने एक तरह से लॉटरी लगा ली अपनी। आपको जो गाड़ी 1250 की जो मिल रही है इस टाइम पे शोरूम प्राइस पे जो आपकी गाड़ी है, वो आपको गाड़ी अगर आप इंट्रोडक्टरी छोड़ के जाते हैं या तो फिर अपनी गाड़ी को एक्सटेंड करते हैं, तो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में उस गाड़ी के रेट 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो जेट 2 वाले भाई लोग जितने भी लोग हैं, जेट 4 की भी मैं बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी वाले भाई लोग अपनी गाड़ी छोड़ के ना जाएं। जैसे आपने 9 से 10 महीने तक वेटिंग कर ली है, वेट कर लिया है, तो प्लीज़ आप 1 से 2 महीने और रुक जाएं। आपको मई के 15 डेज, मतलब 15 तारीख मई के आसपास में आपको जेट 2 जेट 4 ये दोनों ट्रांसमिशन जो आपके जो दोनों इंजन सेम होने वाले हैं, इसकी डिलीवरी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और जेट 2 पेट्रोल की भी डिलीवरी आपको उसी टाइम पे देखने के लिए मिलने वाली है, बट ये थोड़ी सी लेट इसलिए होगी क्योंकि ये जेट 6 बहुत ज़्यादा बुकिंग थी, और ये BS6 सेकेंड नॉर्म्स आने की वजह से भी आपकी डिलीवरियाँ लेट हुई हैं जेट 6 और जेट 8 की, उसकी वजह से आपकी जेट 2 और जेट 4 की भी डिलीवरी लेट हो रही है। तो जिनकी भी इंट्रोडक्टरी प्राइस में जेट 2 और जेट 4 बुक है, वो बिल्कुल एक्सटेंड ना करें, और वो बिल्कुल अपनी बुकिंग कैंसिलेशन ना करें, वो इस गाड़ी को जरूर लें। जैसे उन्होंने 9 से 10 महीने वेट कर लिए हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल वेट करिए, आपकी एक तरह से लॉटरी लगी है कि आपको ये गाड़ी एक से मिनिमम, आप जब आप डिलीवरी ले जाएंगे तो आपको ये गाड़ी आपके दूसरे नॉन इंट्रोडक्टरी और कोई साथ में आपके लेता है, तो उससे आपको 2 लाख रुपये गाड़ी सस्ती मिलने वाली है। तो बिल्कुल आप इस गाड़ी का वेट करिए। और जहाँ तक बात आपकी आती है स्कॉर्पियो एन की सभी वेरियंट्स की, जो रेट इंक्रीज हुई है 2023 अप्रैल से जो शुरू हो गई रेट इनकी, जो इनका नया रेट आया हुआ है, तो ये मैंने आपको 15 दिन पहले ही बता दिया था, 20 दिन पहले ही मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया था कि आपको अप्रैल के बाद से गाड़ियां 50 से 60 हज़ार रुपये और महंगी मिलने वाली हैं। तो जी हाँ, मेरे के अनुसार सेम वही चीज़ आपको हुई। जैसे ही आपकी अप्रैल मंथ आया, इन्होंने 2-3 तारीख जैसे हुई, इन्होंने आज ये प्राइस इंक्रीज कर दी आपकी।
तो जैसे आपने देखा था 11.99 आपके जेड टू वेरिएंट के पेट्रोल के जो प्राइस थे, जो इन्होंने अगस्त में बताई थी 2022 में, वो आपके प्राइस बढ़ के इस टाइम 13,55,000 रुपये हो चुके हैं आपके जेड टू वेरिएंट के प्राइस, जो पेट्रोल वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। डीजल के भी अप्रॉक्स उतने ही बढ़े हैं आपके, 1,00,000 1,10,000 के आसपास आपके डीजल के भी प्राइस बढ़ गए हैं। तो जिनकी इंट्रोडक्टरी प्राइस में जेड टू बुक है वो बिल्कुल ना छोड़ें, वो उस गाड़ी का वेट कर लें। जैसे उन्होंने 9 से 10 महीने वेट किया, वो कुछ टाइम और इस गाड़ी का वेट कर लें। फैक्ट्री में सिर्फ और सिर्फ अभी आपकी जेड सिक्स और जेड एट और जेड एट एल ही प्रोडक्शन हो रही है। जेड टू और जेड फोर की जो मैनुअल ट्रांसमिशन जो आपकी आती है डीजल वाली, वो आपकी मई में ही प्रोडक्शन होने वाली है। तो आप बिल्कुल वेट कर लीजिए, वो आपको मई के सेकेंड वीक थर्ड वीक से आपको डिलीवरी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रही आपकी जेड टू और जेड फोर की डिलीवरी अपडेट्स। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरे इस कॉन्फ्रेंस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप उस नंबर पर हाई लिख करके सेंड करिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपके एक सब्सक्राइबर से बहुत मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी जेड टू और जेड फोर की डिलीवरी डेट क्या आ रही है। तो मिलते हैं कल किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।